सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हमारा सो गाइस, कैसे आप सब आए हो? क्या आप सब अच्छे होंगे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। सो कैसे है? मतलब आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज के दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज। तो आज का व्लॉग बस इसी से रिलेटेड है मेरा। सो व्लॉग को लास्ट तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कॉमेंट करके बताना कि आपका व्लॉग कैसा लगा। हम जाएंगे रुड़की, क्योंकि रुड़की में इंडिपेंडेंट डे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सब लोग बहुत दिल से मतलब मनाते थे, सब लोग बहुत अच्छे से ही है। बट मैं जाऊंगी रुड़की, मैं जाना पसंद करूंगी रुड़की। सो अभी हम जा रहे हैं गंगा ब्रिज वहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छी तरह डेकोरेट किया हुआ है उसे। अच्छा, तो पूरा रुड़की बहुत अच्छी तरह डेकोरेट हुआ होगा। बट वो ज़्यादा वो मैंने वीडियो देखी थी उसकी रात, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। सो मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ का व्लॉग बनाऊँगी। आप देखना ज़रूर लास्ट तक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और ब्लॉग को। और बस ये इतना ही, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, ब्लॉग देखो लास्ट तक। और यहाँ पे भाभी मेरे कपड़ों पे प्रेस कर रही है, क्योंकि हमें रेडी होना है बस थोड़ी देर में। करो करो करो। आज मैं पहनूंगी सूट ये वाला, अभी नहीं बाद में देखना। गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस हम चलते हैं। तो हम लोग अभी आए हैं रुड़की के गंगा ब्रिज पे सबसे पहले, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा डेकोरेट होता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो, और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है कि हमें वो कहीं भी वीडियो बनाने की जगह नहीं मिल रही। तो बस चलते हैं कहीं और जगह देखते हैं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये रुड़की की नगर निगम है सामने, और ये रुड़की का पुल है जिस पर इतनी सजावट होती है इंडिपेंडेंस डे पर। और रुड़की में इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। यहाँ पे सब चीज़ों को डेकोरेट करते हैं पिंक कलर से और फ्लैग से, और फ्लैग होस्टिंग भी होती है यहाँ पर। वो सामने नगर पालिका रुड़की, और वो सामने गंगा ब्रिज है जो अभी न्यू बना था कुछ सालों पहले। और ये भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छे से इसे डेकोरेट किया जाता है। हर कोई इंडिपेंडेंस डे रुड़की में बहुत दिल से सेलिब्रेट करता है। सामने ये आप फ्लैग भी देख सकते हैं। और बीटीगंज में देखो, सब ने अपनी शॉप्स पे मतलब थी कलर से डेकोरेट की है सब ने। सामने भी है, फंक्शन हुआ होगा लेकिन अब बंद हो गया, हम लेट हो गए। देखो भाई, जन्माष्टमी भी आने वाली है जब कुछ दिनों में, तो उसमें स्टॉल भी स्टार्ट होने लगते हैं, आगे भी हैं। तो गाइस, अब हम आए हैं मिल्क बार कुछ खाने। चलो गाइस, मैंने लिए पेस्ट्री चॉकलेट चिप्स वाली, क्योंकि मुझे यहाँ की पेस्ट्री बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। और देखो कितनी सारी पेस्ट्री है यहाँ पर अलग अलग, और यहाँ पे थ्री कलर्स केक भी है इंडिपेंडेंट डे के लिए। वाह, और ये रही मेरी पेस्ट्री, थैंक यू भैया। समीर भाई ने लिए पेटीज और उसका ऑपरेशन कर दिया लेते। इसका ऑपरेशन क्यों किया? और ये रही मेरी, और भाभी की अभी चाट आ रही है, बन रही है वो, और भाभी की चाट आ चुकी है। देखो उसे भी डेकोरेट किया, थ्री कलर्स है। सो गाइज, हमें जो खाना हमने खा लिया, अब हम जा रहे हैं घर। और कहीं भी जा सकते हैं,
और कहीं कहाँ जाओगे? और कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे घूमने की, कहाँ जाओगे? विरामनगर जाए। और आप सोच रहे हो कि मैंने आज थ्री कलर्स वाला सूट क्यों नहीं पहना, क्योंकि मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं पहना आज, मैं इसीलिए ऐसी नॉर्मली सूट पहन गया। और देखो पहाड़ कितने साफ दिख रहे हैं यहाँ पर, शायद बारिश हो रही हो। समीर भाई चल वहीं पे चल रहे हैं। यहाँ पे भी कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई है। तो अभी हम आए हैं रोम्स पिज़्ज़ा में, और हमारा पिज़्ज़ा बर्गर आ चुका है। चलो स्टार्ट करो खाओ। तो गाइज हम लोग घर आ चुके हैं अपने, और बहुत अच्छा लगा रुड़की घूम के आज इंडिपेंडेंस डे पे। बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी सबने। मैं मार्क्स देने गई थी सबको, और अब टाइम हो रहा है मेरे ट्यूशन का, सो चलते हैं ट्यूशन। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।